तेरे कल मेकिंग एक पूरी टीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तारीख के आईने में खुश आमदीद। दोस्तों, तालीम इंसान की बुनियादी ज़रूरतों में से एक है, लेकिन आजकल कुछ खबरें गर्दिश में हैं कि मुख्तलिफ पब्लिशर बच्चों को निसाब में गलत मवाद पढ़ा रहे हैं। क्या ये वाकई गलती है या इस बात को गलत समझा गया है? आज की इस वीडियो में कुछ काबिल सातज़ा कराम की राय जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि आप भी अपनी राय से हमें कमेंट्स में आगाह कर सकें। साल से ज़्यादा ये किताब उसकी चल रही है जो पढ़ाई जाती है, कितने मुद्दे से पढ़ाई जा रही है वो किताब। इस बंदे ने उसको जो है वो क्या किया, आइडेंटिफाई करके उसमें हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की बाकायदा तौर पर गुस्ताखी तकरीबन शामिल की उसके अंदर। फिर इस बंदे ने आइडेंटिफाई किया उसको और उसको बाकायदा, अगर आप बोर्ड की साइट पर विजिट करेंगे तो वहाँ पर बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है कि ये यासीर मुल्की बुक है, ये बैन है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इस आदमी ने आइडेंटिफाई की है। ये वाकई ऐसा है कि ऐसा हुआ है, मैं ये नहीं है कि उसने बात की, आपके पास वीडियो है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा। मैं जो बात आपको कह रहा हूँ, करिकुलम मेकिंग एक पूरी टीम है, जिसने उसने पहले इनिशियल में बताया, इनके पास आती है बुक्स। ये वो बुक्स बंदे की डायरेक्ट नहीं मार्केट में ले आते कि जनाब ये टेंथ में लगा दो, ये नाइन्थ में लगा दो, सिक्स में लगा दो। इस तरह आए तो आज तक हम, मैं बता रहा हूँ हमारे पास कितनी बुक्स आती हैं, हम सारे टीचर हैं, तो फिर भी जो चीज बेचते हैं बड़ी सोच समझ के बेचते हैं, भी ऐसी चीजें बेच देते हैं जो कि बड़ी काफी अर्से तक जब हम पढ़ते थे, हमने हमारा चैप्टर सर जब आप मैट्रिक में थे आपने वो चैप्टर पढ़ा होगा नॉलेज लाइट, 19वां चैप्टर था आपके इंग्लिश में, पहले सतर पर अभी जो है वो उन्होंने मेंशन किए हुए थे कि आपको चाइना जाना पड़े फ्रीडम हासिल करने के लिए। मशहूर और मुखीफे का ये कहते हैं हदीस है, ये तो मकबूल है, हदीस की किताबों में किसी में नहीं, और उसको मेंशन किया वो भी यहाँ पर ऐसे कह रहे हैं कि बहुत सारी किताबों में पीटीडी के बाकायदा छपी भी। अब जो नई किताब आई है 2013 के अंदर जो किताबें चेंज हो गई तो वो चैप्टर उन्होंने हटा दिया, वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से हटा दी, लेकिन 2013 से पहले पहले वो जो बुक चल रही थी इतना अट रही थी चलती रही थी। आज भी बहुत सारी किताबों के अंदर ये आप यहाँ तक छोड़े सर, एम ए की इस्लामियत की किताबें हैं, एम ए इस्लामियत की जो गाइड बुक है जिनको देकर मैंने पेपर दिया, उसके अंदर बेतहाशा जगहों पर कुरानी अरबी इबादत गलत है और पुरानी हदीस की बात गलत है। और बहुत सारे जो राइटर्स की तो होस्ट बस की तो होस्ट पीटीवी की बात कर रहा है ना, ये कह रहे हैं कि इंडिविजुअल राइटर की भी ऐसी, और पीटीवी की जो बुक थी दुनिया आबाद का तुला तेरा, उसके अंदर दुनिया आबाद की कहती है इसको जनाब बड़े अरसे तक हदीस लिखा गया। उसके बाद अब जब इसकी तहकीक भी पता चला कि ये तो मकबूला है, बड़े अरसे तीसरी भी मैंने पढ़ाया पीटीवी में, तीसरी क्लास में भी ये मतलब ये बाकायदा हदीस के तौर पर ये शामिल था, चौथी क्लास की इस्लामियत की किताब है ये छोटी किताब है, उसके अंदर ये बाकायदा पीटीपी की जो बुक थी आज से कोई 5 साल पहले 6 साल पहले आप उठा कर देख लें, हम पढ़ाते थे उस वक्त कितनी रिसर्च नहीं होती थी, अब किसी आदमी ने यही बात कह रहा हूँ कि सर जो है ना इनकी करिकुलम मेकिंग और फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी के लिए टीम होती है पूरी, पहले वो टीम का वो हेड है, टीम है ना इसी के बारे में बात है, वो हेड है। लेकिन अफसोस इस बात की है राय साहब ने जिन्होंने इनको आइडेंटिफाई किया है, बजाय इसके ऊपर सर बजाय इस बंदे को खराज तकलीफ दी जाती है, इसको अप्रिशिएट किया जाता कि आपने जो गलतियों को गुस्ताखियों को या कायदेजम के मुतालिक या अलामा इकबाल के मुतालिक जो गलत इन्फॉर्मेशन है या दीगर जो भी है प्राइवेट है या जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर से जो बुक्स की, इसको अप्रिशिएट किया जाता है, इसको पौधे से हटा दिया गया कि आपने ये काम। यही बात कह रहा हूँ सर कि ये तो हमारी नज़र में हमारे नॉलेज में भी नहीं आया सर, मैं बड़ा इतना मेन कॉज पीटीपी की टेक्स्ट बुक्स जो क्लास 4, 5, 6, 7, 8 ना हमारे पास कोई पढ़ नहीं, पीटीपी के साथ की बुक्स के अंदर इतना मेजर फॉल्ट आया, इतना फ्लॉ को हमने तो कई चीज का सुना भी नहीं होता। यही तो किसी बंदे ने आइडेंटिफाई किया, आप इसकी पूरी जो है वो सुने तो आपको पूरा एक ये देखे ना बाकायदा ये ऐसा नहीं कर रहा है आप उसकी उसकी बुक की जो है वो तस्वीर भी शो कर रहे हैं। मैं यही बता रहा हूँ ये क्या होती है, ये इनके पास करिकुलम मेकिंग के लिए जब आती है सर, ये करिकुलम मेकिंग की बात नहीं है, ये वो किताबें जो मार्केट में इस वक्त पढ़ाई जाती है उन किताबों की बात कर रहा है, करिकुलम मेकिंग के लिए तो जाहिर बात है उसमें तो मसला ही नहीं है, उसमें तो इशू नहीं था, वो तो अभी आगे आगे गई नहीं थी, ये उन किताबों की बात कर रहे हैं जो मार्केट में पढ़ाई जाती है। इन्होंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर पढ़ाई जा रही किताबें ये आते हैं यहाँ से, हमें कुछ नहीं कहते, हमें कहते हैं हम करिकुलम डिपार्टमेंट की तरफ से आए, हमें एक सेट दे दिए जो आप यहाँ पढ़ा रहे हैं,
हम पढ़ा रहे हैं, ये अपनी यहाँ से एक सेट लेकर गए हैं, जिस तरह मुख्तलिफ स्कूल से मुख्तलिफ जो पब्लिशर है उनसे सेट लेके गए जिनकी किताबें पढ़ाई जाती हैं। फिर उन पर उन्होंने रिसर्च की है कि जो प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाए जा रहे हैं उन किताबों में क्या गलती है, उनको भी आइडेंटिफाई किया, और जो उनके पास अपनी किताबें थी उनको दोबारा रिव्यू किया। उन रिव्यू में ये काम आया, आप जो कह रहे हैं वो तो कोई मसला नहीं, उसमें तो मजाकी वाली बात नहीं है। अब देखिए ना, क्लास 4, 5, 6, 7, अब बच्चे हम 9, 10, 11 से जूनियर तो आप भी पढ़ाते हैं। बिल्कुल है, आप पढ़ा रहे कितने अच्छे से पढ़ा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ 9, 10, 4 साल से तो पढ़ा रहे हैं आज तक हमने तो बहुत सी चीजें। 9, 10 में मैंने आपको आइडेंटिफाई कर दिया ना सर कि इंग्लिश की बुक में या लिस्ट लिखी में जो कि नहीं है, जो लिखी हुई जो हमने पढ़ी थी उसको मान चुकी है। नॉलेज इज लाइफ में कि आपको इलम हासिल करने के लिए चाहे चीन जाना पड़े। अब ये लिखवी से बाका है 9th क्लास से लगती है, और जिस दिन मैंने पढ़ा था मुझे याद है हमारे सिना फाउंडेशन स्कूल था मॉडल टाउन में, हमारे घर की बिल्कुल करीब है, वहाँ टीचर जिनका स्कूल था उनकी उनके बेटे टीचर था वहाँ पर, पीटीवी की बुक थी नॉलेज इज लाइफ चैप्टर नंबर 90। अब जो पुरानी किताबें हैं अभी भी पढ़ी है उस वक्त ये पढ़ाई जाती है। और सारी किताबों में किसी न किसी सब्जेक्ट में कोई ना कोई इशू सामने आया, तो एक में ये आया है दूसरे में ये आया, वो एक समरी बता है 10,000 किताबों का मुताला किया उन्होंने, गलतियाँ हैं और फिर गलतियों का उन्होंने बैन किया है। इतना उनके पास अथॉरिटी थी तो बुक को बैन किया ना सर। लेकिन सर उसमें लिखा हुआ है कि ओमिशन एंड मिस्टेक्स एरर्स आर एक्सेप्टेड, ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये गलतियां कोताहियों के बगैर है यूटीएएनटी। नहीं, इन्होंने ये पहले जो जो भी थे हिस्ट्री या घूमत या जिन लोगों ने अब काम बड़ा अच्छा हो रहा है, अभी जो नया डिजाइन हो रहा है 4 का 5 का 6 का 7 का 7 तक मेरे पास भी आ चुका है बाकायदा तौर पर। हमारे इधर स्टूडेंट थे उनके वाले साहब होते हैं वो इसी करिकुलर में है, उन्होंने मुझे भेजा है कि आप भी इसको फीडबैक दें। अभी मतलब बुक नहीं बनी, सिर्फ टॉपिक बताइए कि ये सब्जेक्ट है ये टॉपिक है, बड़ा जबरदस्त बेहतरीन आपको भी सेंड कर दूँगा। असील बच्चा पढ़ा था हमारे साथ बच्चा वो भी बाहर की पढ़ा के हैं शब्द के साथ और मुरादराज के साथ। दोस्तों, इस बहस के बाद आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगेबान।